प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति नियुक्त होने के उपरांत गोरखपुर में प्रथम आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित संवाद भवन के भारतीय इतिहास संकलन समिति गोरक्ष प्रांत द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति को फूल माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारतीय इतिहास संकलन समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेश शरण एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर मुकुंद शरण त्रिपाठी, डॉक्टर सुधाकर लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी, डॉक्टर संजीत गुप्ता, डॉक्टर मनोज द्विवेदी, प्रोफेसर सुशील तिवारी, प्रोफेसर डी एन यादव, प्रोफेसर डी एन तिवारी, डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी, डॉक्टर जी पी मंगलम, डॉक्टर अंबिका तिवारी, डॉक्टर ब्रजेशमणि मिश्रा, डॉक्टर संशीर राय, डॉक्टर अमित अग्रवाल, डॉक्टर सचिदानंद चौबे, डॉक्टर गोविंद शरण सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव, अमोद कुमार राय, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी, डॉक्टर अजय सिंह, सुबोध मिश्रा, नागेंद्र कुमार पांडे, विकास कुमार यादव, अश्मित शर्मा एवं सचिंद्र मोहन, बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण और आचार्यगण मौजूद रहे। उनको अपने मध्य पा करके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उनका प्रथम आगमन है इस अपनी धरती पर। यह स्वागत से ज्यादा शायद हम लोग हर्ष मना रहे हैं आज उन्हें अपने बीच यहाँ पा करके। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिस प्रकार से वे सेवा कार्य में निहित रहते हैं, मित्र को स्वीकार किया, उनकी व्यस्तता से हम सभी परिचित हैं। मैं इतिहास संकल्प समिति गोरक्ष प्रांत की तरफ से उनका भी हार ही उनके किसी बच्चे की किसी को भी आवश्यकता हो, और वह इसलिए कि वे स्वयं में दर्शन समिति गोरक्ष प्रांत के द्वारा विगत दो वर्षों का परिचय और उस सबके ऊपर उनका अपरंपार स्नेह यहां पर निरंतर मिलता रहा। जो हर्ष का भाव है हम लोगों सभी के मध्य, उस अनुभव को